वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स को लेके। प्रेजेंटली एक न्यूज आ रहा है, आप में से बहुत कोई देखे होंगे कि उस न्यूज में कहा जा रहा है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी जो इंडेक्स है उसमें तुर्की ने इंडिया को बीट कर दिया, चाइना ने यूएस को बीट कर दिया। आप सोचेंगे कि भाई ये ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स क्या है, या फिर कैसे हो सकता है कि तुर्की जैसा कंट्री जो है वो इंडिया को बीट कर दे रहा है। हम लोग तो सुने थे कि इंडिया का जो फॉरेन डिप्लोमेसी है ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ लास्ट अगर कुछ डेट हम लोग देखें, लास्ट अगर थोड़ा सा पास्ट में जाके हम लोग देखें कि इंडिया का जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छा है। वर्ल्ड में हर जगह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। इवन वर्ल्ड में अगर अब जो पॉपुलर लीडर्स है उनमें हम लोग का जो पीएम है वो ऑलवेज वन ऑफ द टॉप में रहते हैं। तो अगर ये सब होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया कि इंडिया का ग्लोबल डिप्लोमेसी इतना अच्छा नहीं है, तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स क्या है और किस लिए ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में इंडिया का पोजिशन नंबर 11 में है। नंबर आउट ऑफ मतलब टॉप 10 में भी इंडिया नहीं है, नंबर 11 में इंडिया आ गया है। और हम लोग आज बात करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, कैसे इसको आगे जाके इंडिया इम्प्रूव कर सकता है और इसको इम्प्रूव करने से क्या एग्जैक्टली हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो पहले आते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी क्या है। ग्लोबल डिप्लोमेसी एग्जैक्टली एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ इंडिया या फिर कोई दूसरा कंट्री जो है अपना जो रिलेशन है वो मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का डिप्लोमेसी देखा जाए, इंडिया के साथ डिफरेंट जो कंट्रीज का रिलेशन है वो जैसे इंडिया मेंटेन करता है, उस मेंटेन करने के लिए इंडिया को डिफरेंट कंट्रीज में अपना एम्बेसीज बनाना पड़ता है, साथ ही साथ एम्बेसडर्स रहते हैं, साथ ही साथ एक पूरा टीम रहता है उस कंट्री में जो के डिप्लोमेसी या फिर डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनको मेंटेन करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया का जो हम लोगों का फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, कुछ दिन पहले ही अगर आप लोग कोई भी आप लोगों में से किताब में इंटरेस्ट है उनका एक किताब निकला है, हो सके तो आप अगर पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप नहीं पढ़े तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार किताब को पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हम लोग का जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन डिप्लोमेसी। इससे पहले भी उनका बहुत साल का मतलब 60 इयर्स तक तो उनने जॉब किया है फॉरेन डिप्लोमेसी में। उनका अगर पास देखे फैमिली में तो उस हिसाब से बोला जा सकता है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन इंडिया टू हैंडल एनी टाइप ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। तो नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बट जब ये ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स आया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब नहीं देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लुई इंस्टीट्यूट ने ये जो रैंकिंग है या फिर ये जो इंडेक्स है ये बनाया है, और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ऊपर में है चाइना, फिर है यूएस, फिर है तुर्की, जापान, फ्रांस, रशिया, और इंडिया का जो पोजीशन है वो है नंबर 11 पे। आप बोलेंगे कि इंडिया का ग्लोबल डिप्लोमेसी इतना ख़राब है कि नंबर 11 पे है। मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडेक्स बनाया गया है इसमें कुछ पॉइंट्स को में बहुत ज़्यादा फॉलोअप किया गया है, या फिर कुछ पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स पकड़ के एग्जैक्टली ये इंडेक्स बनाया गया है। इसमें ये नहीं देखा गया कि लास्ट कुछ सालों में इंडिया या फिर लास्ट कुछ सालों में कौन कौन सा कंट्री क्या क्या मूवमेंट लिया है जिसके वजह से दुनिया भर का जो पूरा सारा और भी कंट्रीज है उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं या फिर उन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ पॉइंट्स में उतना ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसमें वो दूसरा है। तो ये इंडेक्स बनाते टाइम जो चीज़ में ध्यान रखा गया है कि नंबर ऑफ राजदूत मतलब नंबर ऑफ एम्बेसडर्स कितना है कोई कंट्री में। सोचिए कि इंडिया से अगर हम लोग इंडिया और यूएस को पकड़े तो इंडिया का कितना एम्बेसडर्स है यूएस में, या फिर इंडिया के तरफ से कितना एम्प्लॉयज़ है टोटल जो यूएस में है इन द मीन्स द एम्बेसीज, उसको अगर वो काउंट ज़्यादा होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप डिप्लोमेसी इंडेक्स में ऊपर जा सकते हैं। अगर वो काउंट घट जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप डिप्लोमेसी काउंट जो मतलब डिप्लोमेसी जो इंडेक्स है वो आपका जो कंट्री है वो नीचे जा सकता है। तो यही फार्मूला को ये लोगों ने फॉलो किया है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर डिप्लोमेसी में कोई कंट्री अपना सबसे ज़्यादा मैन पावर यूज़ करता है वो है यूएस राउंड अबाउट 30,000, और उसके बाद अगर कोई करता है वो है चाइना। चाइना के बाद फ्रांस, यूके, जर्मनी, तुर्की, ये सारा कंट्रीज आता है, और उसके बाद अगर हम लोग इंडिया का रैंकिंग देखें नंबर 11 पे आ रहा है। इंडिया का अगर हम लोग टोटल स्टाफ को काउंट करें जो कि फॉरेन एम्बेसीज में हैं
ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये टोटल काउंट जो है ये सिर्फ 850 है, जबकि यूएस का जो टोटल काउंट है ये मोर देन 30,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना ज्यादा है। यूएस अपना जो मैन पावर है डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 30,000 एम्प्लॉय को रखा है डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एम्बेसीज में, जिसमें वो जो कंट्रीज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस मेंटेन करता है, साथ ही साथ उस कंट्री के साथ यूएस का जो मतलब जो कनेक्शन है उसको अच्छे तरह से मेंटेन किया जाता है। ऑन द अदर साइड इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि इंडिया का एम्बेसीज नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन एम्बेसीज आपको डिफरेंट कंट्रीज में मिल जाएगा, मगर वो एम्बेसीज में एग्जैक्ट जो मैन पावर जरूरत है टोटल वो मैन पावर कम्प्लीटली फुलफिल नहीं है। और ये एम्बेसीज में अगर आप मैन पावर को टोटल काउंट करें तो आपको देखने मिलेगा ऑल राउंड अबाउट 850 मैन पावर है इंडिया के पास इन दिस सेक्टर। अब आते हैं कि आप बोलेंगे कि भैया आपने कुछ देर पहले ही तो बोला कि चाइना के पास 8,000 एम्प्लॉय है और यूएस के पास है 30,000, तो कैसे हो सकता है कि चाइना आगे चल गया। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसके पीछे यही रीज़न है कि चाइना जो है अपना जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर से या फिर अपना डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जो चाइनीज एम्प्लॉय को रखा है उन लोगों के पास चाइना बहुत सारा पावर देके रखा है। पावर इन द सेंस कोई भी कंट्री को अगर लोन चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना वो लोन इंस्टेंटली दे देता है। ऑन द अदर साइड ये जो मेंबर्स है इन लोगों के पास काफ़ी सारा ऑथोरिटी दे के रखा है चाइना, जिसके वजह से ये जो मेंबर्स है ये लोग चाइना के बिहाफ में ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा स्टेप इंस्टेंट ले सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यूएस भी अपना जो पावर है या फिर यूएस का जो कंट्रोल है मेनली वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल होता है और यूएस का जो एम्प्लॉई है उसके पास भी कंपेयर टू चाइनीज जो डिप्लोमेसी मेंटेन करते हैं उन लोगों के पास जो पावर है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। और इसीलिए चाइना को ये सब मतलब जो पॉइंट्स है ये सब को कंसिडर करते हुए चाइनीज जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है या फिर इंडेक्स में चाइना का जो नाम है वो सबसे ऊपर गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस को देखें, यूएस में अपना जो मैन पावर है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर इन्वेस्ट करके रखा है, साथ ही साथ यूएस का अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है कोई भी मेजर डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइट हाउस उसमें इन्वॉल्व होता है। इंस्टेंट उन लोगों के पास ऐसा कुछ पावर नहीं रहता कि वो लोग कोई भी कंट्री को बहुत सारा लोन दे दे या फिर कोई भी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें यूएस का जो एम्प्लॉय है वो घुस जाए। फॉर एग्जाम्पल जब नेपाल में लास्ट मतलब जब इलेक्शन हो रहा था उस टाइम में हम लोग देखे थे कि जो चाइना का जो एम्बेसडर है वो नेपाल का जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था उसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट था। तो अब आते हैं कि इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। नो डाउट हम लोग को इसको सुधारने के लिए सबसे पहले जो करना होगा वो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल रिक्रूटमेंट, क्योंकि जो वैकेंसीज अभी अवेलेबल है उस वैकेंसीज में हो सकता है कि कोई एक स्पेशल एग्जाम किया जाए जिसके वजह से फॉरेन सर्विस में हर कोई मतलब पार्टिसिपेट कर पाए और जो एलिजिबल है उसको एग्जैक्टली फॉरेन सर्विस में वैकेंसीज जो है उसको फुलफिल करके उसको जॉब प्रोवाइड किया जाए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग फॉरेन सर्विस का मतलब जो रिक्रूटमेंट है उसमें देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत साल पहले एक बार आया था कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स में होपफुली 200 और एम्प्लॉय को लेगा फॉरेन सर्विसेज में, जो कि एक मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट है कंपेयर टू अगर दूसरा कंट्री हम लोग देखें तो। अगर हम लोग इंडेक्स में थोड़ा सा नीचे है मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेजर इश्यूज है। ऑन द अदर साइड जो भी हम लोग का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो आज के डेट में हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब G20 हुआ तब हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के जो मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट्स थे सब यहाँ इंडिया में आए, सब इंडिया में घूमे, इंडिया का जो एग्जैक्ट इंडिया जैसा ग्रो हो रहा है उसको देखे। ऑन द अदर साइड रिसेंटली जब G7 हो रहा था, G7 में इंडिया मेंबर नहीं है मगर इंडिया को फिर भी इनवाइट किया गया था, ये हर साल किया जाता है। जब इटली में इस बार हो रहा था तो इटली में तब जब मोदी जी गए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ऑनर मोदी जी को मिला, जो प्यार मिला डिफरेंट कंट्रीज के जो हेड थे उन लोगों के तरफ से, वो हम लोग समझ ही सकते हैं कि इंडिया का प्रेजेंटली ग्लोबली के जो प्रेजेंस है वो कितना मैटर करता है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बार कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी आए थे G7 में और होपफुली नेक्स्ट जो G7 है वो आपका कनाडा में होने वाला है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेस के तरफ से ये बात पूछा गया जस्टिन ट्रूडो को, एक बार देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इनवाइटेड हियर, ही प्लेड अ प्रीटी प्रोमिनेंट रोल यस्टरडे, ही वाज सेंटर स्टेज इन द फैमिली फोटो।
given the accusations that you've made in the U.S. court case, has he paid any diplomatic price for this? Because it seems like he was welcomed here with open arms. I think there is a clear understanding that we need to continue to engage across and around the world with various partners, even as we highlight challenges, as we stand up for the rule of law and the principles that drive the G7, we need to engage with a broad range of partners. And प्रेस के तरफ से जस्टिन ट्रूडो को यह बात पूछा गया कि आपका नेक्स्ट बार जो है, आप तो G7 जो है वो तो आपका होने वाला है कनाडा में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या आप मोदी जी को इनवाइट करेंगे और आपका रिएक्शन क्या है? जस्टिन ट्रूडो का रिएक्शन आपने देख ही लिया, तो इससे पता चलता है कि इंडिया का जो प्रेजेंस है ये ऑल ओवर वर्ल्ड मैटर कर रहा है और इंडियन PM जो है वो हर जगह ऑलवेज वेलकम है। होपफुली नेक्स्ट ईयर क्या होगा हम लोग को देखने मिलेगा, मगर आपको क्या लगता है कि कनाडा जैसा कंट्री या फिर कनाडा के साथ हम लोग का जो रिलेशन है लास्ट कुछ सालों में, हम लोगों के साथ जो भी हुआ है खालिस्तान को लेकर या डिफरेंट जो इश्यूज हुआ है, डिफरेंट जो निज्जर का किलिंग ऑल दोस थिंग्स, उसके बाद इंडिया का वो क्या कनाडा इनवाइट करेगा, और अगर इनवाइट करते हैं तो इंडियन PM क्या कनाडा जाके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो G7 है उसको ज्वाइन करेगा? आपको क्या लगता है? आपका कमेंट मैटर करते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा हर रोज आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड न्यूज लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।